हेलो माय लवली व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एनसेफली के बारे में। जब हम ऑब्स्टेट्रिक्स अल्ट्रासाउंड करते हैं, फीटल वेलबिंग अल्ट्रासाउंड करते हैं, कई केसेस में हमें बच्चे में पैदाइशी बीमारी नज़र आती है, जिसे हम कंजेनाइटल डिफेक्ट कहते हैं या कंजेनाइटल एनोमलीज कहते हैं। आगे बात करने से पहले कुछ फीटल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ये है एब्डोमेन फीटस का। ये दोनों हैं फीमर, जान की हड्डी है। इस फीटस की एज करीब करीब 17 वीक्स 0 डे की है। ये फीटस का दोनों हाथ हैं, हैंड्स हैं। ये पोस्टीरियर वॉल अपर सेगमेंट प्लेसेंटा है। प्लेसेंटल थिकनेस नॉर्मल है। बसल प्लेट से प्रॉपरली अटैच्ड है। देयर इज नो रेट्रो प्लेसेंटल हिमरेज। लिक्योर एडिक्वेट है। एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट है। फीटल मूवमेंट नॉर्मल है। लेकिन ये बच्चे का हेड है, लेकिन इसमें आपको हेड सरकमफेरेंस आप नहीं ले पाएंगे इसका, क्योंकि ये केस है एनसेफली का। फीटस की दोनों ऑर्बिट्स हैं, आईज़ हैं। जब आप इनकी आंखों में देखेंगे, इस फीटस की आंखों में, तो आपको लगेगा कि आप एक मेंढक की आंखों को देख रहे हैं। ट्रायंगुलर फेस हो जाता है, क्योंकि इस केस में खोपड़ी स्कल बोन डेवलप नहीं हो पाती हैं और फीटल ब्रेन टिश्यू भी डेवलप नहीं हो पाते हैं। एनेंसेफली में ब्रेन और स्कल का ज़्यादातर हिस्सा गायब रहता है। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है, फीटल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। जब बच्चा माँ के पेट में ग्रो करता है, ये फीटल हार्ट रेट है, हार्ट बीटिंग, हार्ट बीट नॉर्मल है, कार्डियक एक्टिविटी। एनसेफली के केस में फीटल फेस प्रोफाइल बिगड़ जाता है, ट्रायंगुलर नज़र आता है फेस, तीन कोना। ज़्यादातर केस में एनसेफली के केस में हमें लिक्विड मोर देन एडिक्वेट मिलता है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता है। फीटस का सारा बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल है, सिवाय हेड के। स्कल बोन, क्रैनियल वॉल्ट जो है वो डेवलप नहीं हुए हैं, वो गायब हैं। ब्रेन टिश्यू पार्शली बने हैं, क्योंकि स्कल बोन ऊपर से गायब है, इसलिए ब्रेन टिश्यू कभी कभी प्रोलैप्स हो जाता है, बाहर की तरफ लटकता है, लिक्योर में झूलता है। फ्रॉग आईज अपीयरेंस बोलते हैं, फीटल फ्रॉग आईज अपीयरेंस इन एनसेफली केस। जब आप लगेगा कि आप बच्चे का चेहरा मेंढक की तरह नज़र आता है, फ्रॉग आईज अपीयरेंस बोलते हैं। एनसेफली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ऐसे बच्चे को रखना कोई पसंद करेगा